टाइटैनिक, दुनिया का वो बदनसीब जहाज जो अपनी पहली ही यात्रा में समंदर में समा गया। एटलांटिक महासागर में जिस जगह डूबा था टाइटैनिक, वही जगह फिर से 5 लोगों की जिंदगी के खात्मे की वजह बन गई। पर जो टाइटन में हुआ ये सबमर्सिबल थी, इसमें जो लोग 5 लोग थे उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था सबमरीन का, पहली बार बैठ के गए पानी के नीचे, उनके लिए तो एक एडवेंचर था। तो जब दुर्घटना हुई तो ना तो किसी को समझ आया होगा हो क्या रहा है और ना किसी को समझ आएगा कि करना क्या है अगर ऐसी दुर्घटना होती है। साल 2021 में अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की, जिसका मकसद था दुनिया के अरबपतियों को उस जगह की रोमांचक यात्रा पर ले जाना जहां टाइटैनिक का मलबा मिला था। टाइटैनिक के इसी मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों ने 18 जून को टाइटन पनडुब्बी के जरिए अपने रोमांचक सफर की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश खोजकर्ता हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पनडुब्बी विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्जियोलेट, पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, और उप संचालक ओशन गेट एक्सपेडिशन के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल यात्रा पर निकलने के थोड़े समय बाद ही इनसे संपर्क टूट गया। इस घटना के 4 दिन बाद कनाडा के रोबोट ऑपरेटिंग व्हीकल को टाइटन पनडुब्बी के मलबे का पता चला। टाइटन पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार टाइटन पनडुब्बी की क्या खासियत थी, टाइटन पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह क्या थी, कैसे टाइटन पनडुब्बी समुद्र में डूब गई। इन तमाम सवालों के जवाब इंटरनेशनल लेवल पर सर्च किए जा रहे हैं। आइए वही जवाब समझते हैं इस खास एपिसोड में। दरअसल 5 यात्रियों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। 18 जून को करीब 9 बजे ये सभी यात्री टाइटन नाम की पनडुब्बी के जरिए पानी के अंदर उतरे। करीब 1.5 घंटे बाद सुबह के 11:47 पर पनडुब्बी का संपर्क टूट गया। पनडुब्बी में सवार सभी 5 यात्रियों को शाम 6:10 पर सतह पर वापस लौटना था, लेकिन संपर्क नहीं हो पाने की वजह से पनडुब्बी की तलाश के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया। आखिरकार रोबोट ऑपरेटिंग व्हीकल को पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से 1600 फीट की दूरी पर मिला। टाइटैनिक के मलबे के पास जहां पनडुब्बी का मलबा मिला वो जगह बेहद खतरनाक मानी जाती है। उसे मिडनाइट जोन कहा जाता है क्योंकि यहां काफी अंधेरा रहता है। मिडनाइट जोन में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और वहां कपा देने वाली ठंड भी होती है। पानी के तेज बहाव के कारण यहां खतरनाक करंट भी बनता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक समुद्र की गहराई में पानी का किसी भी चीज पर दबाव बहुत ज्यादा होता है। यह दबाव 4,000-5,000 pounds प्रति वर्ग इंच तक हो सकता है, जो धरती के मुकाबले तकरीबन 350 गुना ज्यादा है। ऐसे में पनडुब्बी में छोटा सा लीक भी कैटास्ट्रोफिक इंप्लोजन का कारण बन सकता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि पलक झपकने से भी कम समय में पनडुब्बी में जबरदस्त विस्फोट हुआ होगा और यात्रियों को सोचने समझने का भी समय नहीं मिला होगा। आप एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारा जो है वो बाहर की तरफ फटता है जब आप उसमें हवा भर रहे हैं, क्योंकि अंदर इतना दबाव हो गया है, गुब्बारे की सतह जो है वो उसका प्रेशर नहीं ले पा रही, तो गुब्बारा बाहर की तरफ फटता है। लेकिन इम्प्लोड का मतलब ऐसा है कि आप जैसे जैसे ये टाइटन नीचे जा रहा था पानी के अंदर, बाहर से पानी का दबाव बढ़ रहा था और इसके अंदर जो था वो सिर्फ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ताकि जो अंदर जो 4-5 व्यक्ति थे वो सांस ले सके अंदर, इसलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है। लेकिन बाहर का दबाव बढ़ रहा था, तो जैसे जैसे दबाव बढ़ रहा था इसका जो हल है जो कार्बन कॉम्पोजिट मटेरियल का था, जिसका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ था, वो दबता चला गया। और एक वक्त ऐसा आया, शायद ये उस वक्त 2,000-2,500 मीटर की नीचे था ये पानी में, कि वो एकदम से क्रम्पल हो गया, ऐसे फट गया। आपको बता दें
कि टाइटैनिक अपने समय का सबसे लंबा और सबसे आलीशान जहाज था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए निकला, लेकिन बीच रास्ते में बर्फ के विशाल टुकड़े से टकराकर डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दुर्घटना के तकरीबन 73 साल बाद 1985 में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास समुद्र से करीब 13,000 फीट नीचे इस जहाज का मलबा मिला। इस मलबे की जानकारी फैलते ही लोग इसे देखने की इच्छा जाहिर करने लगे। 2021 में अटलांटिक में पड़े इस मलबे को दिखाने के लिए अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। ओशन गेट कंपनी टाइटैनिक टूरिज्म पर ले जाने के लिए एक व्यक्ति से $2,50,000 यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए चार्ज वसूलती है। यूं तो पनडुब्बियों को उम्दा तकनीक के इस्तेमाल से बनाया जाता है, लेकिन टाइटन पनडुब्बी का दुर्घटनाग्रस्त होना भी कई सवाल उठाता है। नौसैनिक पनडुब्बियां जो होती हैं उनको समुद्र में भेजने के पहले उनमें काफी चेक्स किए जाते हैं। हर एक बार जब सब पनडुब्बी समुद्र में जाती है उसके पहले उसको अच्छी तरह उसका निरीक्षण किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कोई साधन तो नहीं जहाँ से पानी अंदर आ जाए, कोई ऐसा डैमेज तो नहीं है हाल में जिसकी वजह से क्रैक हो जाए या जिसकी वजह से फ्लडिंग हो जाए। सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम चेक किए जाते हैं, कोई ऐसी संभावना नहीं है कि आग लग जाए, इलेक्ट्रिकल फायर लग जाए। एक बार हम समुद्र में चले जाते हैं तो हमारे जो क्रू होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनकी कई कई सालों से ट्रेनिंग हुई हुई होती है, तो वो जानते हैं कि अगर कोई ऐसी कोई स्थिति आए तो उसमें क्या डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, कैसे उस पनडुब्बी को बचाया जा सकता है। तो ये कई चीजें हैं जो हम हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं। अमेरिकी कंपनी ओशन गेट रिसर्च के लिए भी पनडुब्बी का निर्माण करती है। टाइटन पनडुब्बी को भी ओशन गेट ने ही बनाया था। टाइटन को बनाने का मकसद टाइटैनिक टूरिज्म पर लोगों को ले जाना था। 6.7 मीटर बड़ी टाइटन पनडुब्बी समुद्र में करीब 4,000 मीटर की गहराई तक उतर सकती है। इस पनडुब्बी को एक गेम कंट्रोलर के जरिए चलाया जाता है जिसे लॉजिटेक ने बनाया है। अगर आपको आगे जाना है तो आप फॉरवर्ड बटन दबा सकते हैं, वहीं अगर पीछे जाना है तो इसके लिए बैक बटन का ऑप्शन भी होता है। इस पनडुब्बी में एक साथ 5 लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं। इसमें 96 घंटों तक ऑक्सीजन सप्लाई करने की क्षमता भी होती है। वहीं पूरी यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है, जिसमें समुद्र में 4,000 मीटर तक नीचे जाने के लिए 2 घंटे, टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 4 घंटे और वापस लौटने में 2 घंटे लगते हैं। पनडुब्बी एक वाटर टाइट प्लेटफॉर्म होता है। समुद्र में जाने के पहले हम एक वैक्यूम टेस्ट करते हैं, जिसमें पनडुब्बी के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, सारे हैच बंद किए जाते हैं, हवा खींची जाती है बाहर, और फिर देखा जाता है कि वैक्यूम अगर गिर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से हवा अंदर आ रही है। इसका मतलब अगर पानी के नीचे जाएंगे और पानी का ऊपर से प्रेशर आएगा तो पानी भी आ सकता है। तो जब तक ये हम ढूंढ नहीं लेते कि कहां से ऐसा हो रहा है या क्या वजह है उसकी, पनडुब्बी हम समुद्र में जाती नहीं है। टाइटैनिक टूरिज्म सुनने में काफी रोमांचक लगता है। ऐसे में टाइटन पनडुब्बी के हादसे के बाद अब देखना यह है कि टाइटैनिक टूरिज्म के सुहाने सफर का अंत होगा या फिर आने वाले भविष्य में इस हादसे से सबक लेकर समुद्र की गहराइयों में रिसर्च और रोमांच से भरपूर टाइटैनिक के मलबे को देखने की यात्रा जारी रहेगी।